स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त जे विजय नारायण राव ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बैठक की, जिसमें पीसीपी एंड डीटी एक्ट और हेल्थ मिशन सोसाइटी के वार्षिक समीक्षा पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीसीपी एंड डीटी एक्ट के तहत जिले में 123 अल्ट्रासाउंड सेंटर है। सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार सेंटर में मौजूद पोर्टेबल मशीन के मूवमेंट पर रोक लगाया गया है। वहीं 2 से ज्यादा चिकित्सक या टेक्नीशियन जाँच के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे। अल्ट्रासाउंड सेंटरों में मरीज के सामने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने एवं लिंग की जानकारी नहीं देने जैसा बोर्ड लगा होना चाहिए। वहीं उन मरीजों का ही जांच करना है जिनके पास रजिस्टर्ड डॉक्टर के लिखे हुए पत्र मौजूद रहेंगे। मरीज की रिपोर्ट में सेंटर के द्वारा मरीज की जांच की पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसमें किसी भी तरह के लिंग की जानकारी उसमें अंकित नहीं करना है। वहीं सेंटर चलाने की अनुमति उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास क्लिनिकल रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो, और उन सभी सेंटर प्रबंधन को महीने के प्रत्येक 2 से 4 तारीख तक फॉर्म F को भरकर ऑनलाइन के माध्यम से विभाग को भेजना है। इन सभी नियमों को पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। वही हेल्थ मिशन सोसाइटी के मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त ने कहा कि 1 लाख प्रसव महिलाओं में से 212 महिलाओं की मौत का आंकड़ा सामने आया है, जो सही नहीं है। इस पर रोक लगाने के लिए कार्य किए जाने चाहिए। इसी के तहत उपायुक्त ने OMSES से आग्रह किया है कि वे आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ प्रत्येक माह कार्यशाला आयोजित कर मौत की संख्याओं को कम कराने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रसव के दौरान कुछ महिलाएं बेहतर इलाज या फिर अपने परिजनों के पास जाने के लिए दूसरे जिला चली जाती है। उसकी सही जानकारी जिला स्वास्थ्य विभाग के पास होनी चाहिए और उसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जिले में कितने सरकारी स्वास्थ्य सेंटर है, उनमें AMI कितने मौजूद है, इनकी भी समीक्षा की गई। साथ ही घाटशिला में BMC और CMC भवन परिसर में जमीन आवंटन के लिए प्रपोजल मांगी है, जबकि पोटका और डुमरिया में जमीन प्राप्त हुई है जिसमें बिल्डिंग कॉरपोरेशन की ओर से भवन निर्माण कराना है, जिसके लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग की सभी ब्लॉक के प्रभार पदाधिकारी मौजूद थे। मंत्री रिव्यू मीटिंग थी स्वास्थ्य विभाग की, और दूसरी पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है उसकी मीटिंग थी। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत हमारे यहाँ 123 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स है, जिसमें सरकार के नए दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अभी आपको जितने भी पोर्टेबल मशीन्स हैं उनको आपको किसी भी हालत में मूवमेंट नहीं करना है। मशीन शुड नॉट बी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसका लॉजिक ये है कि आप कहीं पे भी उस मशीन को घुमा के सेक्स डिटर्मिनेशन वाले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो जाए। सेकंड, उस मशीन पे काम करने वाले चिकित्सक जो है या जो टेक्नीशियन है वो 2 से ज्यादा क्लिनिक्स में अपनी सेवा नहीं देते। कुछ लोगों के नए एप्लीकेशंस थे परमिशंस के लिए, किसी का रेगुलराइजेशन का था, तो मैंडेटरीली जिन लोगों को हमें PCPNDT के तहत परमिशन देना है उनका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो वी विल कंडक्ट ऑन द स्पॉट विजिट ऑफ दैट सेंटर एंड ये सारे पैरामीटर्स वो फर्निश करते हैं कि नहीं वो हम देखेंगे। साथ ही साथ हमने सारे 123 सेंटर्स वालों को अपील किया है कि आप हर महीने के 2-3 तारीख तक फॉर्म F को भर के ऑनलाइन सबमिट करें। फॉर्म F उस लेडी का फॉर्म होता है जो अल्ट्रासाउंड करने के लिए आती है, उसके सारे एंट्रीज मैंडेटरीली भरना आवश्यक है। साथ ही साथ एक प्रिस्क्राइब रजिस्टर्ड डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसके बाद ही उसका आपको अल्ट्रासाउंड कंडक्ट करना है। उसका फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है, वो कितने महीने की प्रेगनेंसी है उसको लिखना बहुत जरूरी है, और किसी भी हालत में किसी भी वर्बल नॉन वर्बल इंडिकेटिव सिम्बॉलिक वे में लड़का है लड़की है इस तरह के कोई कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है। भ्रूण लिंग निदान यहाँ पे नहीं होता है, और इस तरह से करवाना या इस तरह की कोई जांच कानूनन अपराध है। इस टाइप का इंग्लिश में और देवनागरी लैंग्वेज में लिखा हुआ बोर्ड उस महिला जिस टेबल पे डिटेक्शन के लिए लेट रही है उसके पैर के बाजू होना चाहिए, कम्प्लीटली विजिबल फॉन्ट में होना चाहिए, और इन सारे एक्ट्स का कम्प्लीट तंतोतंत पालन करना आवश्यक है। हमने यहाँ पे एक जैसे सलाहकार कमेटी है उसी तरह से एक निगरानी एवं अनुश्रवण कमेटी का भी फॉर्मेशन है,
तो रेड्स जो है वो बहुत कम हुए हैं इस जिले में, तो हमने ये सजेस्ट भी किया है कि वी विल बी टेकिंग अप द रेड्स रेगुलरली, और जिन लोगों में किसी भी टाइप की इरेगुलरिटी अगर पाई जाती है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दिस सेक्टर्स। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।